मोदी से मदद मांगते हैं। मेरे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और इंसाफ यूथ विंग के अजीज साथियों, आपको पता है कि कायदे तहरीक इमाम इंकलाब इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की फाइनल कॉल दी है, और जब कायदे तहरीक कॉल देते हैं तो वो किसी भी तहरीकी साथी के लिए हर पे आखिर होता है। आपको पता है कि इमरान खान के खिलाफ 9 अप्रैल 2022 के बाद मुख्तलिफ साजिशें की गई, साजिशें रिचाई गई, कातिलाना हमले हुए, उनके खिलाफ उनके कारकुनान को सुदकोप किया गया, उनकी लीडरशिप के ऊपर एफआईआरें की गई, उनको गिरफ्तार किया गया, उनका मैंडेट चोरी किया गया, उनके अहलिया बुशरा बीबी को 9 माह में हक जेल के अंदर काटा गया, लेकिन इमरान खान को तोड़ ना सके। और पिछले 3 माह से तहरीकी साथियों, आपने जो जदोजहद जारी की है, आप लोगों ने इनके मोहल्लात में कोहराम मचा रखी है। इनको पता है कि ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, इनको पता है कि ये नौजवान जब सर पे कफन बांधते हैं तो फिर इनका मुकाबला करने का किसी के अंदर सुगत नहीं है। आज मौका आम पहुंचा है, 24 नवंबर को मौका आम पहुंचा है कि जब हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जब पूरे पाकिस्तान से नौजवान और तुलबा रुख करेंगे इस्लामाबाद का, वो पिशावर से भी करेंगे, वो मर्दान से भी करेंगे, पूरे खैबर पख्तूनख्वा से करेंगे, पंजाब से करेंगे, बलूचिस्तान से करेंगे, सिंध से करेंगे, और एक ही नारा होगा कि हम इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, और इमरान खान को रिहा किए बगैर वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे। सोहेल ने बात की, ये कुछ नादान ग्रेड 18 के ऑफिसर डीपीओ साहब, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम बढ़ के मारो, अपना माजी देखो। 4 अक्टूबर को तुम डीपीओ थे कि कोई और था? निहत्ते हाथों बगैर कोई असलहा, बगैर कोई डंडा, इन शेरों ने, इन मर्द मुजाहिद के पैरोकारों ने, इन इमरान खान के सिपाहियों ने तुम्हारी तोड़े निकलवा दिए थी, और तुम्हारे तमाम तरह दंडों के बावजूद ये डी चौक पहुंचे थे। एक दफा फिर तुम उनको ललकारना चाहते हो, ललकारो, अजमाओ, जितना जोर लगाना चाहते हो लगाओ, इंशाल्लाह ताला आज आना डी चौक के ऊपर, फिर जो है तुम्हारे साथ सामना होगा और वहां पर मुलाकात होगी। अजीज साथियों, आप सबने जितने तुलबा है, जितने यूथ विंग के साथी है, आप वर्कर्स हो, आपने इमरान खान के सपोर्टर्स के ऊपर आप जाना है, उनको मोबिलाइज करना है, 23 तारीख तक लोगों को मोबिलाइज करें, और 24 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला इतने लोग निकलेंगे कि इससे पहले पाकिस्तानी तारीख ने इससे ज्यादा लोग नहीं देखे होंगे। आप सबने ये साबित करना है कि पाकिस्तानी नौजवान, खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान कल भी इमरान खान के साथ डट के खड़ा था, आज भी इमरान खान के साथ डट के खड़ा है। 8 फरवरी को भी आप लोगों ने गैरत दिखा के फॉर्म 47 को शिकस्त दी थी, 24 नवंबर को भी आप इनके ताबूत में आखिरी कील टोंकेंगे इंशाअल्लाह ताला, और साबित करेंगे कि पुरमन तरीके से इंकलाब ऐसे लाया जाता है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से मैं मोबिलाइजेशन देख रहा हूं, जिस तरीके से मैं अजम देख रहा हूं, जिस तरीके से मैं जज्बा और वलवला देख रहा हूं, जिस तरीके से आप लोग जिद्दत कर रहे हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस दफा पूरे इस्लामाबाद में पांव रखने की जगह नहीं होगी, इतनी मखलूक होगी इंशाअल्लाह ताला। और जब आप इतने तादाद में निकलेंगे तो उसके लिए मैं पेश की और एडवांस मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह स्टेज से फिर नारा गूंजेगा इमरान खान की आवाज में कि या तनाव
इमरान खान खुद शिरकत करेंगे। आप सब ने, तमाम साथियों ने अपने ये शायद सिग्नल भी बंद करे, ये शायद रोड भी बंद करे, यकीनन बंद करेंगे, ये रोड भी उठकाएंगे। हमने अदम के साथ जाना है, अपने साथ हमने जिदोजहद करनी है। खुशक मेवा जात लेके आए, अपने साथ पानी लेके आए, बैग लेके आए, और हम जो है, मैं वजीर आला साहब, उसकी कैबिनेट, उसके एमपीएस, इंशाल्लाह ताला आपसे आगे होंगे और आप हमारे पीछे होंगे। और ये जो हमारा कानूनी और आईनी हक है एहतजाज करना, ये हम इंशाल्लाह बहसन तरीके से जानते हैं इसको इस्तेमाल करना, और आखिर में इमरान खान को रिहा करके इंशाल्लाह ताला दम लेंगे, लाएंगे इमरान खान को रिहा करके इंशाल्लाह। आखिर तक अगर मेरी आवाज जाती है तो सारे खड़े होकर मुझे बताएं और मुझे जवाब दे, खड़े हो जाए सारे, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए सारे, इमरान खान को रिहा करके लाएंगे इंशाल्लाह। ना वो बागी ना गद्दार, अडियाला तक आवाज जानी चाहिए, अडियाला तक, ना वो बागी ना गद्दार।